नमस्कार दोस्तों, मैं भोलू जहांगीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में ई रिक्शा चालकों ने किया धरना प्रदर्शन। आपको हम बता दें कि सुल्तानपुर में अजब गजब फरमान आया। सांसद विधायक से लिखवा कर लाने पर मिलेगा ई रिक्शा चालकों को रूट। ग्रामीण क्षेत्र में चालकों को एंट्री नहीं मिलने पर उबाल है रिक्शा चालकों में। आपको हम बता दें कि सुल्तानपुर में अयोध्या प्रयागराज राजमार्ग पर बड़ी संख्या में रिक्शा चालकों ने मार्ग अवरुद्ध कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे रिक्शा चालकों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में ई रिक्शा को शहर में चलने की एंट्री नहीं मिल रही है। पुलिस लाइन में रूट अलाट कर रहे पुलिसकर्मियों का कहना है कि सांसद विधायक से लिखवा कर लव लिख कर देंगे तो रूट मिल जाएगा। इन्हीं मुद्दों को ई रिक्शा चालकों ने धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में अयोध्या प्रयागराज राज पर बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालकों ने अवरुद्ध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे ई रिक्शा चालकों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में ई रिक्शा को शहर में चलने की एंट्री नहीं मिल रही है। पुलिस लाइन में रूट अलर्ट कर रहे पुलिसकर्मियों का कहना है कि सांसद विधायक से लिखवा कर लो, वो तब लिख कर देंगे तब रूट मिल जाएगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर ई रिक्शा चालकों ने जमकर प्रदर्शन किया। आपको हम बता दें कि सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के टाटिया नगर बाईपास के पास जब बड़ी संख्या में ई रिक्शा खड़े किनारे रोक देखे तो हट प्रभत रह गए। चालक सड़क पर जमा होकर जिलाध्यक्ष राकेश वर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे थे। पूछने पर ई रिक्शा चालक ने बताया कि पुलिस लाइन में रूट मिल रहा है, हम वहां रूट लेने गए तो पूछे कहां रहने वाले हो, हमने कहा गोसाईगंज थाने के। तब जवाब मिला कि गोसाईगंज वाले और बाहर वालों को रूट नहीं मिलेगा। हमने कहा क्यों सर, कहने लगे आप लोगों को सिटी के बाहर घर के जिसका सिटी के घर के अंदर है उसी को रूट मिल रहा है, बाहर वालों को नहीं मिल रहा है। चालक ने यह भी बताया कि हमने जब ये कहा कि अगर हम लोगों को रूट नहीं मिलेगा तो हम लोग कमाएंगे खाएंगे क्या, कहने लगे विधायक सांसद के पास जाओ, अगर वो कहते हैं तो हम कर सकते हैं, इसके अलावा शहर में अगर चलाओगे तो पकड़े जाओगे तो गाड़ी सीज कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राकेश वर्मा ने बताया कि हमारे रिक्शे वालों को बताया गया कि टीआई और सीओ हमारी गाड़ियां नहीं चलने दे रहे। वह कह रहे हैं कि शहर में 5-8 किमी अंदर गाड़ियां चलेगी, बाहर की नहीं चलेगी। इनका कहना है कि गाड़ियां चलेगी तो सबकी चलेगी, हमारे पास कागज है, शहर के गाड़ियां नहीं चलाएंगे तो किस्त कहां से जमा करेंगे, परिवार कहां से चलाएंगे। उन्होंने बताया कि विधायक से लेकर नगर पालिका और सीओ तक शिकायत किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर 3 दिन में समस्या का निदान नहीं होगा तो डीएम आवास को घेरेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर न्यूज। राकेश वर्मा नाम है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ जितने लोग रिक्शे वाले आए और बोले हम लोगों की गाड़ियाँ शहर में नहीं चल पा रही हैं। शहर में टीआई और सीओ साहब बोल रहे हैं कि जो शहर से 7-8 किलोमीटर की दूरी तक की गाड़ियाँ अंदर चलेंगी, अन्यथा बाहर की गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। इन लोगों का कहने का मतलब है कि गाड़ियाँ चलेंगी, सबका चलेंगी, कागज पत्र सबका बना हुआ है। हम लोगों का ऐसा है नहीं कि हम लोगों का कागज नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि हम लोग बाहर कमाई कर नहीं पाएंगे। अगर शहर में चलेंगे तो शहर में हम लोगों के घर का परिवार लालन पोषण खर्चा जो भी है हम लोग वहीं से अपना खर्चा चला लेते हैं। गाड़ी का किस्त भी जमा, गाड़ी का किस्त, जो गाड़ियाँ इन लोगों ने किस्त पे किराए पे ली हैं, अगर वो बेचारे कमाई नहीं कर पाएंगे तो गाड़ी का पैसा भरेंगे कहाँ से। ये इन लोगों की समस्या है। इनका कहने का मतलब है कि गाड़ियाँ चलें, रूट नंबर दे दें, नियम कानून से ट्रैफिक अपना गाड़ी चलाए। समस्या से आपने किसी को अवगत कराया शहर में, किसी अधिकारी से? जी, अधिकारी से इन लोगों गए थे, विधायक जी के पास गए थे, ये सांसद के पास गए थे, सांसद जी मौके मौजूद नहीं थे, नगर पालिका में गए थे, सीओ साहब के पास गए थे, वो लोग बोले कि उच्च अधिकारी के पास जाओ, हम लोग इसका निशाना नहीं कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप लोग जबरदस्ती शहर में घुसोगे तो 10,000 का चालान कर देंगे, गाड़ी सीज कर देंगे। कर भी रहे हैं सीज। अगर यही हाल रहा यहाँ का, तो आने वाले स्थिति में लोग कमाए खाएंगे कैसेंगे, आने वाले समय में समस्या बढ़ जाएगी, बहुत बुरा हाल होगा, कमा खा नहीं पाएंगे, गाड़ी चल नहीं पाएगी, तो यही सी बात है कि लूटपाट होगा, क्राइम होगी, जब धंधा नहीं चलेगा। आपकी समस्या का निदान अगर आज नहीं होता तो आगे अगर हमारी समस्या का निदान आज नहीं होता तो अगले आने वाले 3 दिन में दंगा फसाद होगा, डीएम आवास घेरा जाएगा, सुल्तानपुर में जाम लगाया जाएगा, रोड जाम किया जाएगा। क्या करते हैं? हम रिक्शा चलाते हैं। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है सर, हमने गए था पुलिस लाइन में रूट मिल रहा है तो हमने गए वहाँ रूट लेने थे, हमसे बताया गया कि ऐसा है कि आप लोग आपका घर कहाँ है, हमने बताया हमारा घर गोसाईगंज है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि गोसाईगंज वालों को या बाहर वालों को रूट नहीं मिलेगा। हमने कहा क्यों सर, कहा आप लोगों का सिटी से बाहर घर है, जिसका नगर पालिका में घर है उसी को रूट मिल रहा है। हमने कहा सर ये कैसे हो सकता है, अगर हम लोगों को रूट नहीं मिलेगा या हम लोगों को रूट नहीं दिया जाएगा तो हम लोग कमाए खाएंगे कैसे,
बता रहे हैं कि किसी हमसे ऊपर जो हैं अधिकारी हैं, किसी विधायक के पास जाओ, सांसद के पास जाओ, अगर वो लोग लिख करके देते हैं या आ करके कहते हैं, वो लोग कहते हैं तो हम कर सकते हैं, इसके अन्यथा हम कर नहीं सकते। अगर इसके अन्यथा आप लोग जबरदस्ती या शहर में पकड़ो मिलोगे बेड आउट रूट के, तो हम आपकी गाड़ी पकड़ेंगे, सीज कर देंगे, आप उसके जिम्मेदार आप होते हैं, हम नहीं होते हैं। तो सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।